सत श्री अकाल एबीपी सांझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़े नाल ज्योति लैके हाजिर हाँ बुलेटिन पंजाब मेल। इस बुलेटिन दे विच अज सब तो पहला गल करांगे श्रोमणी अकाली दल दी। पंजाब दी सियासत च हाशिए ते पहुंच चुकी है। पिछले विधानसभा चोणां च महज 4 सीटां आईआं सन, इसलिए पार्टी की साख बचाउण दे लई प्रधान सुखबीर बादल ने कई वड्डे ऐलान कीते ने। वन फैमिली वन टिकट यानी चोन लड़न दे लई एक परिवार चो सिर्फ एक शख्स नूं टिकट दित्ती जाएगी। इस तों इलावा वड्डा ऐलान यह है कि पार्टी का प्रधान सिर्फ लगातार 2 टर्म दे लई ही चुनिया जा सकदा है। तीजी टर्म वास्ते उसनूं 5 साल दे लई गैप लैणा होवेगा। यानी अकाली दल नूं हुण सुखबीर बादल दी लगातार 2 टर्म तों बाद तीजी वार नवां प्रधान मिलेगा। कलेक्शन एक टिकट परिवार की, वह असं एक अनाउंस कर रहे हैं कि एको ही टिकट परिवार को दी जाएगी इलेक्शन वास्ते। जिला प्रधान होगा साड़ी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, वह इलेक्शन नहीं लड़ूगा कि 117 सीटा 50% सीटा 50 साल तो थले जिहड़े नौजवान है लेडीज है उन्हां वास्ते रिजर्व किए जाएंगे। श्रोमणी अकाली दल किसी की जायदाद नहीं, जायदाद पंजाबियों की है, कौम की है, पंथ की है। सरकार बनाउणी या ना बनाउणी इन्ना निशाना नहीं है, साडा इक्को एक निशाना है कि पंजाब विच अमन शांति रहे, पंजाब विच भाईचारिक सांझ रहे। ये ऐलान पार्टी नूं मजबूत करन दे लई सुखबीर बादल वल्लों कीते गए ने। 2022 दीआं विधानसभा चोणां च मिली नामो सीजनक हार तो बाद प्रधान पार्टी अंदर नवी जान फूकन दी कोशिश दे विच ने। इसे तहत सुखबीर बादल ने पार्टी दे टांचे नूं मजबूत करन दे लई अहम ऐलान कर दित्ते ने। चोणां च इक परिवार नूं इक टिकट मिलेगी। अकाली दल च प्रधान लगातार 2 वार रह सकेगा। तीसरी टर्म दे लई 5 साल का ब्रेक लेना लाजमी होवेगा। जिला प्रधान कोई भी चोन नहीं लड़ेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड चोणां दे लई बेहतर उम्मीदवार की चोन करेगा। कोर कमेटी च नौजवान अते महिला लीडरां नूं मेंबर बनाया जाएगा। 117 चो 50% सीटां 50 साल तो घट उम्र वालियां नूं दित्तियां जाणगियां। संगठन खड़ा करन दे लई 117 अबजरवर लगाए जाणगे। एडवाइजरी बोर्ड बनेगा जो सीधा प्रधान नूं सलाह देवेगा। पार्टी च बीसी भाईचारे नूं तरजीह दित्ती जाएगी। यूथ अकाली दल दा मैंबर 35 साल तो घट उम्र वाला होवेगा। श्रोमणी अकाली दल नूं चोणां च मिली हार बाद बगावती सुर भी उठे सन। परिवारवाद अते सुखबीर बादल दी प्रधानगी नूं लैके भी अंदर खाते चर्चावां चलदियां रहियां सन। अजिहे च सुखबीर बादल ने प्रधानगी नूं लैके साफ कर दित्ता है। कई मंग इत्थे पुछी सी कि कई परिवारां दे 2-2, 3-3 लोक इलेक्शन लड़ रहे हैं। सो एक इलेक्शन एक टिकट परिवार दी, वो असीं एक अनाउंस कर रहे हैं कि एको ही टिकट एक परिवार नूं दित्ती जाऊगी इलेक्शन वास्ते। इस बार देखिया पिछे जिहड़ा हलका इंचार्ज आ या MLA है, जे उस अपने हलके विच कोई लैंड मॉर्गेज दा इलेक्शन हो जांदा है, कोई अपने भरा नूं खड़ा कर दिंदा है या अपने बेटे नूं खड़ा कर दिंदा है, जां जिला परिषद आउंदा है या स्टेट दे विच कोई रिक्वायरमेंट आउंदी है, असीं क्या नॉमिनेशन हुंदी है, कोई भी होई उह चेयरमैन ही हुंदी है, अपने परिवार नूं कोई दे दिंदे है। अज मैं अनाउंस कर रहा कि भावें कोई लोकल इलेक्शन होए, हल्के दा मैं गल कर रहा, भावें कोई स्टेट च नॉमिनेशन होए, जिहड़ा परिवार जिहड़ा हल्का इंचार्ज आ उस परिवार दा परिवार दा जी कोई ना चेयरमैन ना जिला परिषद या इलेक्शन या कोई भी नॉमिनेशन या इलेक्शन विच वो अपना परिवार नहीं, वर्कर दित्ते जाणगे इलेक्शन लड़नगे। श्रोमणी अकाली दल किसी की जायदाद नहीं है। एक गलत प्रचार कि जी बादल परिवार किसी की जायदाद नहीं है। आ जायदाद पंजाबियों की है, कौम की है, पंथ की है। 102 साल पहले बनी सी गुरु घरों बचाने वास्ते, पंथ नूं बचाने वास्ते ते देश नूं बचाने वास्ते। श्रोमणी अकाली दल का प्रेजिडेंट हो अगला इलेक्शन जिहड़ा हुण टर्म खत्म होगी, मैक्सिमम 2 बारी इलेक्शन लगातार अकाली दल का प्रेजिडेंट कैंडिडेट जिहड़ा है वह इलेक्शन वास्ते लड़ सकता कंटीन्यूअसली, कल्ले 2 वार। जे 2 टर्म्स मैं कह रहा 2 टर्म्स आनी है जिहड़ी पार्टी दी 5 साल दी टर्म्स हुंदी है, मैक्सिमम 2 टर्म्स, उहदे बाद एक टर्म दी उहनूं ब्रेक लैणी पैणी है।
मकसद की है घट तो घट नवी लीडरशिप भी इंप्रूव अगे आए। सो एज अ प्रेजिडेंट मैं आप ही अनाउंस कर रहा हूं। सुखबीर बादल एक पासे दावा कर रहे ने कि आने वाले समय च पार्टी नूं मजबूती मिलेगी, पर दूसरे पासे विरोधी परिवारवाद भारू रहण दे इल्जाम लगा रहे ने। मैनूं नहीं लगता इह तों रिवाइव होना है। इन्हां ने लै दे के अपने उसे परिवारवाद नूं ते वंशवाद नूं कंटिन्यू करन दी इक जिहड़ा तरीका उन्हां ने लभ लिया है। जिस तरीके नाल उह च दस्सिया जा रहा अज जिहड़े मैं देखे आ मीडिया दे चैनलां च कि दो वार प्रधान रहेंगे, लेकिन ये कंडीशन हुण अगले टाइम तो शुरू होगी, दो टर्मा रह सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर यह जी पिछली जिनी भी विफलता आ उसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया गया। दूजी गल एक होर भी कही है भी एक परिवार चो कोई मैंबर पार्लीमेंट लड़ सकता है, कोई MLA लड़ सकता, तो कि ना कि वह भी एक बैकडोर जिस तरह कह सकते हैं रस्ता कढ लिया गया परिवार। सो मैनू नहीं लगता अकाली दल नूं इहदे च किसे तरह की कोई ताकत मिलन दे उम्मीद हैगी आ जां आपां कोई कर सकदा। पंजाब लै दे के परिवार दे हत्थ च उही ताकत देण दा तरीका जिहड़ा आ पूरी जिहड़ी कवायद कीती उह लै दे के उही परिवार नूं बचाउण दी वंश नूं बचाउण दी और उहनां हत्थां च ताकत रहे उहदी ही एक्सरसाइज होई। जिस तरह BJP दा सेंट्रल पार्लीमेंट्री बोर्ड आ जां बाकी भी सारे BJP दे विच असूल ने उहदा अध्ययन करके ते अपने ढांचे का ऐलान कर रहे हैं कि उस तरह का पार्लीमेंट्री बोर्ड बनाउणगे। पर BJP बनने दे लई समूहिक फैसले होंदे इहदे च, किसी एक परिवार का कब्जा नहीं होंदा इहदे च, और इहदे बहुत असूल ने अनुशासन ते वो गल्लां कर लैण नाल जे कोई शेर का मखौटा पहन ले तो शेर नहीं बन जाता। तो ये मखौटा पहनने वाली गल आ। और हुण प्रधान फिर सुखबीर सिंह बादल ही रहणगे, चाहे दो बार दा कीता उस तो बाद किने देखिया किन्नी बार अगे रहना, मतलब कब्जा परिवार दा ही रहना। तो इस करके मैं ये समझदा कि इहदे नाल अकाली दल कोई इस तरह नहीं है, ये उन्हां दा अंदरूनी मामला। वैसे किनू वह प्रधान रखते, किनू सैकटरी रखते, किहो जिहा ढांचा बनाउंदे आ, पर ये क्योंकि पंजाब दे हित भी जुड़े होंदे आ जिहड़े राजनीतिक दल होंदे आ, तो ये पंजाब का और सूबे का हित नहीं है और देश का हित नहीं है, ये जरूरी है। तो मैं समझदा ये जिन्हिया भी गल्लां ये कर रहे ने उहदे नाल पंजाब का कोई भला नहीं। विरोधियों वालों भावे श्रोमणी अकाली दल ते इल्जामां दा दौर जारी है, पर सुखबीर बादल दम भारे ने पार्टी नूं मजबूती वल लैके जाण दा, सूबे च पार्टी नूं मुड़ पैरां सिर करन दी सुखबीर बादल दी कोशिश नूं किन्ना बूर पैंदा है इह तां समां ही दसेगा। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਉਸੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ ਗੱਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ। ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਧਮਕੀ 'ਚ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਸ਼ੂਟਰ AJ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੋਪੂ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ।
सुनो सिद्धू मूसेवाला दे बाप, तू लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरी आ, साढ़े भरावां की सुरक्षा बारे जेकर कुछ बोलेगा तो तेरा तो पता भी नहीं लगना, तेनू मार के चले जावांगे। तू अते तेरा बेटा इस देश दे मालिक नहीं, जो तुसी चाहोगे उसे नू सुरक्षा मिलेगी। तेरे बेटे ने साढ़े भरावां नू मरवाया अते असी तेरे बेटे नू मार दिता। असी भुले नहीं कि मनप्रीत मन्नू जगरूप रूपा का एक फेक एनकाउंटर होया, अते तेनू भी नहीं भुलना चाहीदा क्योंकि यह सब तेरे दबाव उत्ते होया। सौ गल्लां दी एक गल जेकर ज़्यादा बोलिया तो तेरा हाल सिद्धू नालों भी ज़्यादा खतरनाक ते भयानक होवेगा। ओके, मैं लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बराड, जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेड़ी ते सोपू ग्रुप तो जय बलकारी। धमकी दे इस मामले च पुलिस वल्लों जांच कीती जा रही है। हालांकि धमकी देने वाला मुलजम कौन है, किथे है, इस बारे पुलिस अजे कोई खुलासा नहीं कर सकी। आज का पता नहीं जी, कल को एक इंफॉर्मेशन आई थी, उसकी जांच चल रही है। मूसेवाला दे मापे फिलहाल देश तो बाहर ने, पर वो लगातार पंजाब च लोकां च विचर रहे ने। हुण सवाल यह है कि अपने बेटे दी मौत दा दुख चल रहे बुजुर्ग बलकौर सिंह सिद्धू नूं आखिर धमकी क्यों दे रहे ने गैंगस्टर। तो इस दा जवाब यह है कि बलकौर सिंह सिद्धू ने इंसाफ लई मुहिम विड्डी होई है। मूसेवाला दे पिता हर वार पब्लिक च अपने गुस्से दा इजहार करदे ने। मूसेवाला मर्डर च वो इंसाफ ना मिलन दा दावा करदे ने अते गैंगस्टरां नूं मिली वाधू सुरक्षा ते सवाल चुकदे ने। जेड़े मेहमान लेके चले है पूरा सामान के रखेंगे, पूरी सेवा पानी करेंगे, इन्हें फुलज नहीं आती, कोई मेडिकल दिक्कत नहीं आने, साम के पूरे थोड़े को दवाने जमा करा के जावे। साढ़े नौ तो गैंगस्टर चंगे ने, वो कानून दी कमजोरियां का किन्ना फायदा उठाते ने। आही साडियां दुश्मनियां सी वीरो, असी नहीं किसी की मन्नी, टिच करके सीधी गल है, ज्यों गया मेरा पंज, ज्यों गया मेरा चार साल गल मुकदी है। बब्बर शेर ढोन चक के ज्यों है, चाहे कोई गैंगस्टर आपदे आप नूं वड्डा समझे चाहे छोटा समझे, सानू किसे तों कोई घबराहट नहीं, ना मेरे पुत्रे मन्नी है ना मैं मन्ना चाहुंदी रहिंदा। तुसीं थोड़े कोल बंदूकां ने, जदों मर्जी ते ओह जिथे मर्जी मिल सकदे हो, मैनूं किसे गल तों कोई घबराहट नहीं। असीं जिंदगी सानू परमात्मा ने दित्ती है, साह थोड़े की बाले की, जिन्ना चिर उहदा हुक्म है आजादी नाल रहांगे। मूसेवाला दे पिता गैंगस्टरां नूं मिलन वाली सुरक्षा ते हर वार गिला जतांदे ने, सरकार नूं सवाल करदे ने। इसे दरमियान ही गृह मंत्रालय ने पंजाब दे डीजीपी नूं अलर्ट भेजा होया है। खदशा जताया गया है कि बंबीहा गैंग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अते जग्गू भगवानपुरिया नूं निशाना बना सकदा है। कहा गया है कि अदालती पेशी दौरान लॉरेंस अते जग्गू ते हमला हो सकदा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय दी पंजाब डीजीपी नूं जो चिट्ठी है उस दे विच लिखा गया है कि भरोसेयोग सूत्रां तों जानकारी मिली है कि बंबीहा गैंग जानलेवा हमला करन दी प्लानिंग कर रहा है। ए हमला गैंगस्टर लॉरेंस अते जग्गू भगवानपुरिया ते अदालत दी पेशी दे दौरान होएगा। पुलिस नूं धोखे च रखण लई शूटर वकील या फिर कोर्ट स्टाफ दे भेस जा सकदे ने। बठिंडा जेल च लॉरेंस अते जग्गू दे गुरगे सारज सिंह संधू ते हमला करन दे बाद बंबीहा गैंग सिद्धू मूसेवाला दे कतल दा बदला लैण लई लॉरेंस अते जग्गू ते अख रख रिहा है। सारज संधू उर्फ मिंटू जग्गू गैंग दा गुरगा है। जग्गू अते मिंटू अमृतसर दे रहण वाले ने। सिद्धू मूसेवाला दे शूटरां नूं गड्डी मुहैया करवाउण दा इल्जाम सारज सिंह संधू ते है अते इसे इल्जाम चों गिरफ्तार होया है। रिमांड पूरा होण ते मानसा पुलिस ने सारज संधू नूं न्यायिक हिरासत च बठिंडा भेजिया सी। उत्थे 30 जुलाई नूं पिंदा अते शमी नाम दे गैंगस्टर ने सारज ते हमला कीता। इस लई गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस नूं चुकन्ना रहण लई आख्या है। पर इस सब दे दरमियान हुण गैंगस्टरां खिलाफ खुल के बोलण वाले बलकौर सिंह सिद्धू नूं वी धमकियां मिलन लगियां ने, जिस ने पंजाब पुलिस की फिक्र होर वधा दित्ती है। इथे रुकांगे एक ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद तुहानू दसांगे कि तरनतारन दी चर्च होई भनतोड़ दी जांच कित्थे तक पहुंची है।
तरनतारन दी चर्च हुई पंतोड़ दी जांच हुन एसआईटी करेगी। तीन मेंबरी एसआईटी दा गठन हो गया है जिसकी अगुवाई आईजी फिरोजपुर करेंगे अते एसआईटी नू जल्द तो जल्द अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपन दे लई आदेश होए ने। उधर इस घटना तो बाद पंजाब दे तमाम धार्मिक स्थानां ते सुरक्षा वधा दित्ती गई है। हुण तक इस मामले च पुलिस नूं कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। कुछ लोगों नूं शक दे आधार ते राउंडअप कीता गया सी, पर भनतोड़ करन वाले दोषी अजे भी फरार ने। क्योंकि मसला धर्म नाल जुड़िया होया है इसलिए सरकार भी अलर्ट है। पटियाला हिंसा करके पहला भी विवादां च गिर चुकी सरकार इस बार कोई गुताही नहीं चाहती, इसलिए दो दिन बाद ही एसआईटी दा गठन हो गया। सीसीटीवी च नजर आ रहे इन दोषियों की सूह देने वाले नूं 1 लाख की इनामी राशि का भी ऐलान पुलिस कर चुकी है। एसआईटी दे गठन दे नाल नाल मुख्यमंत्री दे निर्देशां ते सूबे भर दे धार्मिक थावां दी सुरक्षा भी कड़ी कर दित्ती गई है। शुक्रवार नूं एडीजीपी रैंक दे तमाम अधिकारियों दी अगुवाई च धार्मिक थावां ते सुरक्षा इंतजामां दा जायजा लिया गया। साडे कमिश्नरेट ऑफ पुलिस अमृतसर दे विच 391 गुरुद्वारा साहब हैगे, 350 मंदिर हैगे, 69 चर्चिज हैगे, 31 मस्जिद ते 9 डेरे है। इन्हां सारयां दी असीं सिक्योरिटी कर रहे हैं। इस थाने का स्टाफ इनवॉल्व है ते उसके नाल नाल पीसीआर है, और भी साडे खुफिया जिहड़ा तंत्र है वो भी वॉच कर रहे हैं। पिंड ठाकरपुर अते डडुआणा दी घटना तो बाद अमृतसर पुलिस दा पहला तो ही अलर्ट सी, पर हुण पंजाब भर च धार्मिक थावां ते पुलिस ने मुस्तैदी वधा दित्ती है। अमृतसर च एडीजीपी डॉक्टर नरेश कुमार अरोड़ा, लुधियाणा च एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ते मोहाली च एडीजीपी अर्पित शुक्ला ने मोर्चा संभालिया अते सुरक्षा इंतजामां दा जायजा लिया। तरन तारण दे विच हादसा होया, कुछ माड़े अंसरां ने मूर्तियां दा अपमान कीता, उन्होंने तोड़िया। ओनली थिंग इज कि इस तरह दे अगे कोई घटना ना वापरे, साडे पंजाब दे विच पीस रहे, साडी यही कोशिश है और असी उम्मीद करदे हां कि हुण कोई इस तरह दी घटना नहीं वापरे। उधर इस घटना तो बाद विरोधियों नु एक बार मुड़ कानून व्यवस्था दे मुद्दे ते मान सरकार नु घेरन दा मौका मिल गया। शुक्रवार नु कांग्रेस दा वफद घटना वाली थां ते पहुंचिया अते मान सरकार वल्लों हुण तक इस मामले दे विच लई एक्शन ते असंतुष्टि जताई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नु, विशेष तौर मुख्यमंत्री साहब नु, क्योंकि ओ होम मिनिस्टर भी ने ते डायरेक्टर जनरल पुलिस नु, मैं गुजारिश करांगा तुहानू खुद विजिट करना चाहिदा, क्योंकि ए इस तो चंद दिन पहले जो मैनू दस्या गया मजीठे हल्के दे विच भी इस किस्म दी एक चलदी हुई इन्हां दी प्रेयर मीटिंग दे विच कुछ अंसरां ने आके उत्थे भी बहुत किस्म दा डिसरप्ट कीती मीटिंग। पंजाब दे विच इस किस्म दा माहौल बिल्कुल नहीं पैदा करन दिता जाएगा। इस किस्म दा यह भी साडा मनना है, कोई पंजाबी इहो जिहा काम कर नहीं सकदा, इहदे विच जरूर बाहरलियां ताकतां दा हत्थ जिहड़ा है उहनूं बहुत गंभीरता नाल विचारना पवेगा। पंजाब वर्गा सूबा जिसने अतवाद का दौर वेखिया है, अजिहे सूबे च अमन शांति की व्यवस्था बनाई रखना पुलिस दे लई हमेशा वड्डी चुनौती रहा है अते पंजाब च पहली बार सत्ता च आई आम आदमी पार्टी दे लई भी एक वड्डा चैलेंज है। इथे रुकांगे एक ब्रेक दे लई, पर ब्रेक तो पार भी खबरां दा सिलसिला जारी रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी दे व्यापुरब मौके हर साल सुल्तानपुर लोधी दी पवित्र धरती तो बटाले तक बरात रूपी नगर कीर्तन सजाया जांदा है। इस बार भी गुरुद्वारा बेर साहब तो जदो नगर कीर्तन दी आरंभता हुई तां संगत दा सैलाब वेख्या ही बंदा सी।
श्री गुरु नानक देव जी का 535वां व्याह पुरब बहुत श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा है। बाबे नानक दे व्याह पुरब की खुशी च बरात रूपी अलौकिक अते महान नगर कीर्तन अज सवेरे पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी दे इतिहासक गुरद्वारा श्री बेर साहब तो बटाला लई रवाना होया। गुरद्वारा बीर साहब के हैड ग्रंथी वालों नगर कीर्तन की आरंभता की अरदास की गई, जिस उपरंत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ पंजां प्यारियां की अगवाई च नगर कीर्तन की आरंभता हुई। इस महान नगर कीर्तन का तलवंडी पुल पिंड मेवा सिंह वाला मंगूपुर खेड़ा बेट तलवंडी चौधरियां अते फतू टींगा पहुंचण ते संगत वालों फुलां दी वर्खा करके स्वागत किया गया। जिन मेरा सतगुरु दिठा राम राजे। इस मौके पालकी साहब नूं सुंदर फुलां दे नाल सजाया गया। इस वार बरात रूपी नगर कीर्तन च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबर साहबान ते वख-वख सियासी पार्टियां दे नुमाइंदियां ते प्रशासन दे अधिकारियां ने शमूलियत कीती। सतगुरु ठिठा राम राजे, जिन मेरा सतगुरु ठिठा राम राजे। वख-वख सियासी पार्टियां दे आगुआं समेत सारी संगत सतनाम वाहिगुरु दा जाप करदी हुई बाबे नानक दे रंग च रंगी हुई विखाई दे रही सी। नगर कीर्तन दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पालकी दे अगे अगे श्रद्धालु सफाई सेवक जथा रस्ते दी सफाई कर रहे सन। नगर कीर्तन दौरान फुलां दी वर्खा वेख्या ही बनदी सी। इस मौके निहंग सिंघां अते गतका पार्टियां ने खालसाई जंगजू करतब विखाए। वख-वख स्कूलां दे बच्चियां ने भी नगर कीर्तन च शामिल हो नगर कीर्तन दी शोभा वधाई। अज गुरु नानक पातशाह जी दे ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਨਕ ਲਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ 535ਵੇਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ 535 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜੀਵਨ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 535 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੰਧ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਦੇਖ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਜ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਭੋਲੀਏ ਇਹ ਕੰਧ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਇਹ ਕੰਧ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
जगत मालक जगत वाली जी दे अते धन धन माता सुलखनी देवी जी इन्हां दे विआह पुरब की लख लख वधाई होवे जी। अज सवेरे गुरद्वारा श्री बेर साहब विखे श्री आसा जी की वार दे कीर्तन उपरंत गुरबाणी की कथा विचार हुई। इस उपरंत नगर कीर्तन च शामिल पंज प्यारे साहबान अते होर संतां महापुरशां दा सिरोपाओ दे के सन्मान किया गया। इस उपरंत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन स्वरूप जयकारियां दी गूंज दे विच सुंदर पालकी च सुशोभित किया गया। इस नगर कीर्तन च संत सीचेवाल ने विशेष तौर ते शमूलियत कीती। इस मौके थां थां ते श्रद्धालुओं वालों तरह तरह के लंगर लगाए गए। नगर कीर्तन अज उच्चा बेट ढिलवां बाबा बकाला साहिब मेहता तो हुंदे हुए देर रात बटाला पहुंचेगा ते इस बार पिछले साल नालों बहुत ही वड्डी पद्धर ते संगत दी शमूलियत नजर आ रही है। इस बुलेटिन दे विच फिलहाल इना ही। मैनू दिओ इजाजत। पर देश विदेश ते पंजाब नाल जुड़ी हर वड्डी खबर देखण दे लई तुसीं बने रहो एबीपी सांझा दे नाल।